बातें और मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा हुसैन। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो यूजुअल फॉर्मेट से ज़रा हटकर है और इसको हम आईए रहमान साहब, जिनको इब्ने अब्दुल रहमान साहब भी कहा जाता है, उनकी मेमोरी में कर रहे हैं। और ये वो शख्सियत है जिनको हमने पिछले माह ही खोया है। ना ये एक ऐसा लॉस है डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, राइट बेस्ड सर्कल के लिए, जो शायद इरिपेयरेबल है। रहमान साहब के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए, उनकी फैमिली के साथ कॉन्डोलेंस के लिए बहुत सारी नशिस्तें की गई मीडिया के ऊपर, और सहाफ़ती हलकों ने भी बहुत ज़्यादा उनके याद के अंदर सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो नाज़रीन, हम उनको जानते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, एक सहाफ़ी के हवाले से, और एक ऐसी शख्सियत जो गुनागुन सलाहियतों की मालिक थी। उनके खोने से एक ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद पूर्ण ना हो सके, लेकिन उनकी मेमोरी के ऊपर बात करना, ये बेसिकली हम सब लोग वही कर सकते हैं जो अब हम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने आज खास कर उनकी शख्सियत क्या थी, उसकी जहते क्या थी, उनका काम क्या था, किस तरह से हम उनकी लाइफ से टेक अवे लेकर जा सकते हैं, तो उसके लिए आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब हारिस खलीक साहब से, जो एक नामवर अदीब, शायर, सहाफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता 25 साल से ना सिर्फ मुंसलिक थे एज अ काउंसिल मेंबर, बल्कि आज वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो जनाब, आइए उनसे जानते हैं आईए रहमान साहब की शख्सियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हारिस जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं, बिल्कुल आपका शुक्रिया मेरा कि आप तशरीफ लाई और इस रहमान साहब के हवाले से गुफ्तगू करने की, मेरा ख्याल है बार बार जरूरत है। बार बार जरूरत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आप हमें जरा उनके बताइए, कब से आपका रब्ता था और किस तरह हुआ और फिर क्या काम आप लोगों ने इकट्ठा किया? रहमान साहब को तो मैं बचपन से जानता हूँ, चूँकि रहमान साहब को आपको पता है कि रहमान साहब के दोस्तों की तादाद अगर लाखों में नहीं तो हज़ारों में तो यकीनन थी। तो ज़ाहिर है उनके हर शहर में, सारी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में तो हर जगह उनके दोस्त थे। तो मेरे वालदैन से भी उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था गहरा, क्योंकि रहमान साहब ने जो अपने करियर की इब्तिदा की थी वो फिल्म रिपोर्टिंग से की थी। अच्छा, और आपका घराना तो और मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते थे। तो और फिर जाहिर है कि नज़रियाती तौर पे और जो उनके कॉमन फ्रेंड्स, रहमान साहब की कुछ साल उम्र कम थी मेरे वालिद से, लेकिन उनकी जो है बहुत ताल्लुक रहा। और फिर तो मैंने उन्हें बचपन से देखा है, तो 40 बरस समझ लें आप, 40-45 साल की मेरी मेमोरी है उनको देखने की, 40 बरस की फिशौ। उसके बाद जाहिर है कि काम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मैं भी इतफाक से जो है वो डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के शोबों में मुतहरिक रहा, आ गया इसी शोबे में पेशा वराना तौर पे भी। तो बस उनसे रहनुमाई हासिल करते रहे, उनकी बातें सुनते रहे और पढ़ते रहे उन्हें मुसलसल, तो एक ताल्लुक रहा। फिर जो भी, यानी बहुत से हमने काम ऐसे मिलके भी किए। पहले मैं HRCP का भी सेक्रेटरी तो अब हूँ, सेक्रेटरी जनरल, लेकिन ये कि पिछले 20-25 साल से मेंबर हूँ। तो जाहिर है कि ताल्लुक उनसे रहा और बहुत सफ़र भी उनके साथ किए, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर। तो कुछ ऐसे पहलू, क्योंकि काम से तो हम वाकिफ हैं, क्योंकि कौन से हकूक का कौन सा ऐसा पहलू है जिसके ऊपर रहमान साहब ने बात नहीं की या लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, क्योंकि आज हम उनका जो पहलू सबके सामने रखना चाहते हैं, खासकर अपने नाज़रीन के सामने, वो सोशल एस्पेक्ट है उनकी शख्सियत के बारे में आज हमें बताइए। देखिए, रहमान साहब जो थे वो मैं आपको सही बात बताऊँ कि एक तो उनका बहुत ही एक संजीदा एक उनका पूरा पर्सोना था, लेकिन उनसे ज्यादा बजला संज विटी शख्स मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। और मैंने उनके कुछ वाकयात लिखे भी, जब मैंने उनकी बिचरी लिखी थी, कि वो इंतहाई दिलचस्प बातें और बिल्कुल आम जो जिंदगी की चीज़ें हैं उनसे मजाक पैदा करना और उसमें किसी किस्म की कोई वल्गैरिटी ना हो, और फिर लेकिन उसके बावजूद आप जो है वो यानी महफिल को ज़ाफरान ज़ार बना दें जैसे कहते हैं। तो वो तो बहुत विटी तो बहुत थे और बेशुमार वाकयात हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग दोस्त, आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हैं, नाम मैं नहीं लेता, उनसे कहने लगे कि उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं और बड़ी तालीफ और तर्जुमे का काम भी बहुत किया है। तो उनसे एक दिन कहने लगे कि भाई वो आज रात को खाने का वक्त हो गया और आज आपकी कोई नई किताब नहीं आई, तो तबीयत ठीक है आपकी? तो अब वो इस किस्म की, या एक किताब की रुनमाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि के उनसे पहले कोई स्पीकर थे गालिबन आबिद सुलेरी थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने जो ये किताब लिखी है मुसन्निफ ने, ये बीमारी में मुब्तला थे और बड़े फलां आरजे में मुब्तला थे, उसके बावजूद इन्होंने ये किताब लिखी। तो उसके बाद रहमान साहब जब तकरीर करने आए तो कहने लगे कि आप अगर किताब के मतन से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसन्निफ की तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी।
तो ये मतलब उसके बाद खैर संजीदा बात उन्होंने की, उनका मकसद कोई किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, लेकिन वो जो चुस्त फिक्रे फितरों लगाने से बजस्ता चुस्त वो बाज नहीं आते थे, तो वो बहुत उनके इस तरह के पहलू हैं, तो वो और भी लताइफ बहुत हैं मतलब। सही, हाँ। कोई ऐसा खास काम जिससे आप मुतासिर हुए हो, जो आप चाहें नाज़रीन को भी मालूम हो कि ऐसी चीज, इंडो पाक फॉर एग्जांपल पीस के अंदर वो बहुत ज्यादा एंगेज। देखिए हाँ, ये मेरा ख्याल है मुतासिर तो उनकी हर चीज ही मुतासिर कुन थी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात है वो ये कि वो कभी मायूस नहीं होते। ओके। और ये यानी जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन होती हैं बहुत सारी, मतलब एक उदासी भी छा जाती है कभी कभी, वो तो होता है, वो तो एक इंसानी यानी फीलिंग है, उससे तो मफर नहीं है किसी को, लेकिन रहमान साहब मायूस को मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, तो वो मुसलसल। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम है हम लोगों के सीखने के लिए, ख़ासतौर पर जो लोग सरगर्म हैं समाजी या इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। बिल्कुल, रहमान साहब कंपोज रहते थे, सही, यानी उनका जो ठहराव था तबीयत का, तो वो यानी एक मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल था वो, यानी जो कंपोजर था उनका। बिल्कुल सही। और वो कभी मतलब है कि गुस्से में आना और किसी पे कोई जाती हमला करना या किसी कोई, यानी अगर किसी से उनका बहुत शदीद नजरियाती और सियासी इख्तलाफ भी है तो उस पर कोई किसी किस्म का कोई जाती यानी मसले में उसे बदलना, ये उनके यहाँ बिल्कुल नहीं था। और मैं समझता हूँ मैंने कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं देखा जो इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी, यानी बड़ा हॉस्टाइल जमाना देखा है, रहमान साहब ने जेल भी काट लिया है, रहमान साहब बहुत मुश्किल हालात में रहे हैं, उनके ऊपर रोजगार के जो मौके थे वो भी वो यानी बहुत मुश्किल हालात से गुजरे फाइनेंशियली भी जिंदगी में, और यानी जिस सतह के वो पाकिस्तान के सहाफ़ी थे, जिस सतह के वो एडिटर थे, तो उन्हें तो बहुत एक यानी पुरतायुश जिंदगी गुजार सकते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं गुजारी, और ये इस सब के बावजूद उनको किसी से कोई जाती बोगज़ो इनाद मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने दिल में रखा हो या किसी से उसका इजहार किया। रूह गुजर रूह रह जाती है, जिस्म गुजर जाता है, ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं जो टेक अवे है हम सब के लिए, खसूसन नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारी तो ज़रा यूथ बल्ज एक बहुत बड़ी एक रिसोर्स भी है हमारा, और पीस के ऊपर भी बहुत लोग आई एम श्योर के एक्टिव भी हैं, आप भी देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान आगे आके, तो ऐसा क्या टेक है जो हम नौजवानों को दे सकते हैं? मेरा ख्याल है पढ़ना। सही। रहमान साहब ने बहुत लिखा है, बहुत ही प्रोलिफिक, जाहिर है कि उनका कोई 65-70 बरस का करियर है, यानी एक माशाल्लाह भरपूर जिंदगी उन्होंने गुजारी है, लेकिन उनका जो जितना उन्होंने लिखा है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, यानी वो बहुत वसीउल मुतालिया आदमी है, और मैं समझता हूँ कि जो नौजवानों के लिए मेरा ख्याल है टेक अवे यही है कि बगैर पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते, बगैर मुताले के आप पढ़ें सोचें लिखें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो मुसलसल पढ़ते रहते थे, यानी कभी ऐसा नेवर स्टॉप रीडिंग, तो वो आखिरी वक्त तक मतलब है कि अपने इंतकाल से 4 रोज़ कबल उनका आखिरी कॉलम छपा है उन्होंने, तो वो कॉलम भी ऐसे कोई याददाश्त की बुनियाद पर नहीं लिखते थे, बड़ी मेहनत से, मैंने उन्हें देखा है, क्योंकि लिखते बहुत तेज़ी से थे, लेकिन उससे पहले एक मेहनत होती थी, वो रिसर्च करते थे उन चीज़ों पर, उससे मुतालिक तमाम, अगर जैसे वो किसी एक कोर्ट के फैसले के बारे में लिख रहे हैं या किसी सियासी जमात की पॉलिसी के बारे में लिख रहे हैं या किसी इंसानी हकूक के मसले पे लिख रहे हैं, तो उससे पहले वो पूरी तैयारी करते पढ़ते थे, उनका बेस मैंने भी देखा है, और जिस तरह वो भरा हुआ होता था किताबों से और अखबारात से और इस तरह से, तो मेरे लिए तो बड़ा ये मुश्किल था कि वो किस तरह इंटरेस्टिंगली वो बिल्कुल देख रहे होते थे कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उनको जरूरत के मुताबिक पता था उनका मैप क्या है। बहुत शुक्रिया हारिस। शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने सुना हारिस खलीक साहब को, जिन्होंने आय्यर रहमान साहब की शख्सियत के हवाले से हमें एनलाइटन किया, और जो बड़े टेक अवेज हैं एब्सोल्युटली, एक तो राइट बेस्ड काम था जो आय्यर रहमान साहब का, वो अनमैचेबल है, लेकिन जो शख्सियत के पहलू थे वो बहुत ज़्यादा मज़ाह निगार थे, उनके बरजस्ता जुमलों को हम सब याद रखेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी उनकी शख्सियत की, वो मुतालिया था जो उनको नंबर करता था उनके कंटेम्पररीज़ के साथ। और तीसरी बात ये कि वो किसी के ऊपर जितना भी इख्तलाफ हो वो ज़ाती हमला नहीं करते थे। मेरा ख्याल है किसी भी बड़ी शख्सियत की यही खसूसियात होती हैं, और खुदा ताला हम सबको जो है इन खसूसियात को अंदर लेकर जाने की तौफीक अता करे, क्योंकि पीस जो है वो इनके बगैर नहीं आ सकता। तो आई एम श्योर कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम लाइक किया होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आने वाले दिनों में आप किस मौजू को सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।